सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को एक प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ बोस और उनकी पत्नी प्रभावती देवी के यहाँ हुआ। सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवादी स्वभाव पहली बार कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सामने आया जब भारत विरोधी बातें करने वाले प्रोफेसर ओटेन पर हमला करने के लिए उनको उकसाया गया। 1930 के मध्य दशक के दौरान बोस ने यूरोप की यात्रा की, जहां उन्होंने मुसोलिनी सहित अन्य भारतीय छात्र और यूरोपीय राजनेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी संगठन को बनते देखा और साम्यवाद और फासीवाद को सामने से देखा। 1938 में वह राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए थे और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नामांकन स्वीकार कर चुके थे। वह स्वराज के पक्ष में थे, लेकिन इसका मतलब गांधी के खिलाफ जाना था, जिसकी वजह से उनके और नेहरू के बीच दरार पैदा हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस से राय लिए बिना ही भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। इस फैसले के विरोध में चले सिविल डिसोबीडियंस के अभियान में बोस शामिल रहे। कलकत्ता में बोस ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। डलहौजी स्क्वायर में कोने पर खड़े होलवेल स्मारक को हटाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया। बोस को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनकी 7 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद सीआईडी ने कलकत्ता में बोस के घर पर नजर रखी। बोस ने अपने भतीजे सिसिर के बोस की मदद से भागने की योजना बनाई। रातों रात दाढ़ी बढ़ाकर पठान के हुलिये में एक कार में निकल गए। बोस अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी निकल गए। बोस ने हिटलर से कहा, मैं ईश्वर की कसम खाते हुए ये पवित्र शपथ लेता हूं कि मैं भारत की लड़ाई में इसके नेता के रूप में जर्मन बलों के कमांडर, जर्मन नस्ल और राज्य के नेता एडॉल्फ हिटलर का पालन करूंगा। लेकिन जब जर्मन सेना पीछे हट रही थी तो सारा खेल बिगड़ गया। अब जर्मनी अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत की मदद करने की स्थिति में नहीं रही। इसीलिए 1943 में बोस अपनी सेना से छुपकर एक पनडुब्बी में जापान के लिए चुपके से निकल गए। उन्होंने पनडुब्बी U-180 पर केप ऑफ गुड होप तक और फिर जापानी पनडुब्बी I-29 के माध्यम से जापान की यात्रा की। ये द्वितीय विश्व युद्ध में एक ऐसा अकेला मामला था जहां दो अलग अलग नौसेनाओं की दो पनडुब्बियों के बीच एक नागरिक यानी कि सिविलियन को ट्रांसफर किया गया। 1943 में बोस की मदद से सुदूर पूर्वी भारत में एक मुक्ति सेना का विचार होने लगा। बोस ने भारतीय राष्ट्र सेना पर नियंत्रण कर लिया और बिखरी हुई सेना का फिर से निर्माण करने लगे। दक्षिण पूर्व एशियाई के प्रवासी भारतीयों ने बड़े पैमाने पर उनका समर्थन किया। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में भारतीयों की रैली में भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक महान भाषण में बोस का सबसे प्रसिद्ध वाक्य था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसमें उन्होंने भारत के लोगों से ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। INA का पहला लक्ष्य मणिपुर के पूर्वी भारतीय सीमाओं के प्रति जापानी जोर में था। INA और जापान ने 1942 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी कब्जा कर लिया। ये कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई थी जिसका भारतीय राष्ट्र सेना पर बहुत प्रभाव पड़ा। जापानी अब सेनाओं को धन नहीं दे सकते थे और अंत में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जापानी मदद के बिना INA का ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं था और इसीलिए उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। बोस का लापता होना और उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। हालांकि ये कहा जाता है कि वो 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते वक्त ताइवान के तेपई में एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे।
इंपीरियल जापानी एयरफोर्स बॉम्बर जिस पर वो यात्रा कर रहे थे उसके इंजन में परेशानी थी और क्रैश में बोस बुरी तरह से जल गए थे। उसके कुछ घंटों बाद ही एक स्थानीय अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।